पूरे देश में इस वक्त कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला यूपी के औरैया से है, जहां एक डीसीएम ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई, इसके अलावा 36 अन्य घायल भी हो गए। सीओ सुरेंद्रनाथ यादव ने इस पर बताया कि घटना औरैया कोतवाली क्षेत्र के मैहौली की है, जहां पर एक ट्रक राजस्थान के अलवर से पटना की ओर जा रहा था, जिसमें झारखंड भदोही कुशीनगर पश्चिम बंगाल के रहने वाले 50 मजदूर पुट्टी लदे हुए ट्रक के ऊपर बैठे थे। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट गई। बोरियों के बीच में फंसने से अभी तक 24 लोगों की मौत उधर हो गई है, इसके अलावा 36 अन्य लोग घायल भी हुए। गंभीर घायल 21 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इसके अलावा 15 लोगों को सैफाई रेफर किया गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं यहां पर प्रकट की है। इसी के साथ मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है। इसी के साथ कमिश्नर और आईजी कानपुर को घटनास्थल का दौरा करके शीघ्र रिपोर्ट देने की बात कही गई, लेकिन प्रशासन के सामने अब मजदूरों के परिवार वालों को घटना की सूचना देना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मजदूरों के पास कोई खास दस्तावेज नहीं है। ऐसे में प्रशासन को घायल मजदूरों को ठीक होने का इंतजार है, ताकि उनके बयानों के आधार पर मजदूरों के परिवार वालों के साथ में संपर्क स्थापित किया जा सके। फिलहाल इस हादसे के बाद 2 थाना प्रभारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक बड़ा ट्रक जिसमें कि चुनने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था, शायद ड्राइवर को नहीं जबकि अपनी कुछ चाहिए होगी जी, साइड में था ट्रक से, साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी, 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर माइनर, उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे रुपये पर, 20 लोग यहाँ एडमिट है जी, 15 लोग सफाई रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुँच सकता है, अभी रेस्क्यू जारी है आपका, कितने सारे हो चुके हैं वहीं से? हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं, जैसे किसी की डेथ होगी जी। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता अमरीश मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, कोरोना का जो संकट है और लॉकडाउन का जो असर है, कहीं ना कहीं इसकी जो मार है वो गरीब तबके और मजदूरों को सबसे ज्यादा झेलने को मिल रही है, वो रोजगार का संकट हो या फिर इस प्रकार की घटनाएं, बेहद दुखद घटना अमरीश, ये 24 लोगों की दर्दनाक मौत, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? जी जयती, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का ये संकट पड़ा मजदूरों पर जी, उस संकट से बड़ा संकट तो पलायन का नजर आता जा रहा है, जहां मजदूर अपने ही राज्यों में पहुंचने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में ये दूसरी बड़ी घटना है जो दिल दहला देने वाली है। कल जहां 6 मजदूरों की मौत हुई थी, आज वही 24 मजदूरों की मौत हो जाती है डीसीएम के टकराने से जी। वही इस घटना की जिम्मेदारी जो बॉर्डर पड़ते हैं, जहां पे लाखों तरह की चेकिंग हो रही है, क्या वहां पे नहीं दिख रहा है कि एक ट्रक में 50-60 मजदूर लद के जा रहे हैं और वो किस तरह से जा रहे हैं? दूसरा, जब वो टक्कर हो जाती है उसके बाद संज्ञान में आता है मामला, उस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन इन 24 मजदूरों की जिनकी मौत हुई है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये मजदूर राजस्थान से अपने घर की तरफ जा रहे थे, बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड जहां के भी ये मजदूर निवासी थे, वहां की परिस्थितियों और जिन मजदूरों से हमने बात की उन मजदूरों का रिएक्शन आया, एक तो भूख से तंगहाल, 2 दिन से बगैर खाए पिए सफर करना, उसके बाद उस सफर में एक अपनी ही मौत का नजारा देखना, अपने अपनों की मौत का नजारा देखना, ये जो दो दुखद घड़ी पड़ी है। और उसके ही 2 घंटे बाद हमारे पास एक खबर और आती है कि उन्नाव एक्सप्रेसवे पर ही एक और एक्सीडेंट होता है जिसमें माँ बाप की मौत हो जाती है 8 वर्षीय बच्चे के सामने। ये दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं, करुणा से भरी खबरें आ रही हैं। सरकार और सीएम योगी ने आप संज्ञान भी लिया है मामले में, मथुरा और आगरा के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जो भी बॉर्डर के दोनों एसएचओ थे, इसके अलावा एडिशनल एसपी और एफएसपी आगरा के और मथुरा के, उनको घटना की लिखित जानकारी देने के लिए सीएम योगी ने
उनको आदेश दिया है। इसके अलावा जो भी संबंधित अधिकारी हैं, आईजी मोहित अग्रवाल हो, डीआईजी जय नारायण जी हो, या फिर औरैया के जिलाधिकारी हो अभिषेक जी, इन तीनों के ऊपर ही इस वक्त जो सबसे बड़ी आपदा है वो सीएम योगी का चाबुक, जिस चाबुक से उन्होंने आज ये आदेश दिया है कि इस घटना का संज्ञान उनको सिर्फ कुछ ही घंटों में चाहिए, वो भी लिखे और त्वरित कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीएम ने भले ही मजदूरों को 2 लाख रुपए जो भी मृतक हैं और इसके अतिरिक्त जो भी घायल मजदूर हैं उनको 50,000 रुपए देने का ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन भारत वर्ष में मजदूरों का ये जो पलायन हो रहा है, ये क्या फिर से उस तरह से मजदूर पटरी पर आ सकेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का ये जो समय है ये शायद सबसे विनाशकारी समय है। इस वक्त सिर्फ सरकार को नहीं, लोगों को भी ये जागरूक होना है, मजदूरों के साथ खड़े होना है, क्योंकि ये वही श्रमिक हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और हमारी ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो हमारी अमरीश बिल्कुल सही, दो टूक निश्चित तौर पर आपने बात कही, जो पीछे छुपे हुए हैं हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो इनके मालिक हैं या जो हमारी सरकारें हैं वो समझ नहीं पा रही हैं इनके कष्ट को, इनकी पीड़ा को। और जिस तरह से ये छलक रहा है रेल की पटरियों पर, सड़कों पर, झांसी में कल एक मजदूर मरा सड़क के किनारे बेहोश होकर, तड़प कर मर गया, कोई पूछने वाला नहीं था कि वो बीमारी से मरा है या भूख से। ये एक हृदय विदारक जो घटनाएं हो रही हैं, जरूर इसके पीछे सरकारों को कहीं ना कहीं इससे सीख लेना है और आगे के लिए जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का ये बहुत सही समय है। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से सरकार के सामने दोहरा संकट है, उनके पलायन का ये जो अब संकट गहराता जा रहा है, आए दिन यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, काफी ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बीते दिनों ग्वालियर से भी ऐसी घटना देखने को मिली, एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली पर ही लद कर ही निकलती हुई दिखाई दी। तो इस प्रकार से सरकार को अभी चाहिए कि किस प्रकार से कोरोना के संकट से और साथ ही में जो मजदूरों का पलायन है इससे उबरने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए अमरीश।